प्रमुख शासन सचिव यादव जी ने काफी बातें विस्तार से बताई। मुख्य रूप से मैं इस वीसी के माध्यम से तमाम हमारे अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि दो बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो जल संरक्षण और जल की बचत। जल राजस्थान में आबादी के हिसाब से बहुत कम है। जब आबादी जहाँ हमारी 5.6% है पूरे देश की आबादी का, तो वहाँ पर हमारे पास पानी मात्र केवल 1.1% है देश का। और हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे मतलब डार्क जोन बनते जा रहे हैं। इसलिए जल संरक्षण के लिए आपने काफ़ी योजनाएं चलाई है, उसका अच्छा असर पड़ा है। शहरों में भी 300 मीटर तक के जो मकान हैं उनमें आवश्यक रूप से जल संरक्षण हम कर रहे हैं। उसी तरीके से गाँव में मनरेगा के अंतर्गत यदि अधिक से अधिक नाड़ी तालाब जोड़ खुदें तो उससे बरसात का पानी हम संग्रहित करके रख सकते हैं, उस पानी का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा सकता है। दूसरी ओर आम जनता को जल की बचत करना बहुत आवश्यक है। हम बाथरूम में जाते हैं तो कम से कम ये समझिए एक दिन में बाथरूम में 5 आदमियों के परिवार में करीब 250 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए मैं बराबर हमेशा इस बात पर जोर देता रहता हूँ कि राजस्थान में डबल बटन की टंकी आवश्यक रूप से लगाया जाए। छोटी आवश्यकता पर छोटा बटन दबाएं, बड़ी आवश्यकता पर बड़ा बटन दबाएं और पानी की बचत करें। हम पहले मिट्टी से बर्तन मांजते थे, राख से बर्तन मांजते थे, आजकल पानी से बर्तन धोते हैं, उससे पानी बर्बाद हो जाता है। फिल्टर प्लांट जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पर भी पानी बर्बादी के रूप में जा रहा है। काफ़ी पानी जो है उसको यदि अपन इकट्ठा कर लें, उससे घर की सफाई कर सकते हैं, उससे सिंचाई के काम में उसको ले सकते हैं। तो जल की बचत जहाँ जहाँ हो सकती है उसको अपने को करना चाहिए, जल संरक्षण और जल की बचत। दूसरी ओर आपने फरवरी में ही हमको 65 करोड़ रुपए दे दिए थे, उसके आधार पर 50-50 लाख रुपया कलेक्टर्स को हमने दिए हुए हैं। और उसके अंतर्गत आज आप देखेंगे 44 शहरों में 2835 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन हम पानी की आपूर्ति 44 शहरों में कर रहे हैं। इसी प्रकार 2037 ग्रामीण क्षेत्रों में और ढाणियों में हम 2644 ट्रिप प्रतिदिन मतलब क्या है कि सप्लाई परिवहन के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा हैंडपम्प मरम्मत का जो अभियान हमने चलाया उसमें लगभग 38,000 हैंडपम्प्स की मरम्मत हमने कर दी है। 3,417 नए हमने हैंडपम्प स्वीकृत किए थे, उसमें 642 आवेदन कार्य हो चुका है, इसमें से 375 चालू भी कर दिए गए हैं। ट्यूबवेल भी हमने 1,941 स्वीकृत किए थे, उसमें से 1,039 का आवेदन कार्य हो चुका है और 459 चालू हो चुके हैं। डीफ्लोरिडेशन संयंत्र भी हमने 2,400 स्वीकृत किए थे, उसमें से 2,246 स्थापित कर दिए गए हैं। आरओ प्लांट्स 3,946 हमने स्वीकृत किए थे, उसमें 3,547 स्थापित कर दिए। तो कुल मिलाकर के जो आपके कंटिंजेंसी प्लान और मुख्य बजट के अनुसार हमको जो बजट दिया था उसका काम तेज गति से शुरू किया। लॉकडाउन पीरियड में निश्चित रूप से हमको हमारे काम में कुछ शिथिलता आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने मॉडिफाइड तरीके से लॉकडाउन को खोला है हमारा काम शुरू हो चुका है। हम 1 अप्रैल से लेकर अब तक जैसा मैंने बताया 38,000 हैंडपम्प्स की मरम्मत कर चुके हैं और आने वाले समय में आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो बजट आपने दिया है उसके माध्यम से हम राजस्थान में पानी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमने जिला स्तर पर हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किए हुए हैं, स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है और प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर हर डिवीजन हेडक्वार्टर से रोज रिपोर्ट ली जाती है और जो शिकायतें आती है उसको आज तक हमने जिला स्तर पर 98% शिकायतों का निपटारा किया है। और आपने कल ही जो 25-25 लाख रुपए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा कंटिंजेंसी का काम विधायक जो जो अभिशंसा करेंगे उसके अनुसार उनके क्षेत्र में 25-25 लाख रुपए प्रत्येक क्षेत्र में उनकी मांग के अनुसार कार्य कराकर और गर्मी की स्थितियों को निकाल देंगे और जुलाई में प्रकृति कृपा करेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति में कमी नहीं आने देंगे। धन्यवाद।